चीजें याद करने का तरीका क्या होता है, ये मुझे भी हमारे टीचर ने जब मैं थर्ड में थी तब बताई थी बात। अब मैं अपने बैच में अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ, रविंदर कौर नाम था उन मैम का, बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने समझाया था और वो मेरी लाइफ की पहली टीचर थी जिन्होंने हमें चीजों को आसान बनाना बताया कि आसान कैसे बनाते हैं। तो उन्होंने हमें बोर्ड पे बना के दिखाया, थर्ड क्लास में थी तब मैं 8 साल का बच्चा, कि हमारा दिमाग जो है ना एक ऐसे कबर्ड है, एक अलमारी, एक बक्सा मान लो, हम सब इस बक्से में, दिमाग में, अलमारी में नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को फिट करते हैं। कुछ लोगों की आदत क्या होती है, अगर हम कबर्ड की बात करें अपने या अलमारी की, कपड़ों की अलमारी की, तो संडे को अपने कपड़े धोए, सारे कपड़े उतारे और इकट्ठे करके ठूस दिए अलमारी में, जब मंडे को उन्हें कहीं जाना होगा तो वो सारे कपड़े दोबारा निकालेंगे, फिर उसमें से एक पेयर ढूंढेंगे और फिर उस पे प्रेस करके बाकी सारे उसमें फिर ठूस देंगे, फिर उनको दोबारा कपड़े चाहिए तो फिर दोबारा सारा निकालेंगे, टाइम रोज वेस्ट करेंगे। कुछ लोग अपने कपड़ों को बस ऐसे घुसा के और जब जरूरत पड़ेगी तब निकाल लेंगे, फिर जब वो कपड़े निकालते हैं तो उनकी दुगनी मेहनत लगती है क्योंकि इन कपड़ों में इतनी सिलवटें पड़ गई हैं कि उसको प्रेस में टाइम लगेगा। ये इन्फॉर्मेशन भी होती है जो सिर्फ पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, दिमाग में इन्फॉर्मेशन इतनी घुसा ली कि एग्जाम में याद ही नहीं आएगा कि मैंने पढ़ा क्या था। एक बार सुना नहीं ऐसा कि आता तो था पर एग्जाम में याद नहीं आया, ऐसे सेट की थी इन्फॉर्मेशन। दूसरे लोग होते हैं सलीकेदार, वो संडे को अपने कपड़े धोए, शाम को उतारे, हर कपड़े को तभी प्रेस कर दिया, टाइम तो लगना ही है, लेकिन वो रोज रोज टाइम देने से अच्छा एक दिन मेहनत कर ली, थोड़ा टाइम लगा के सारे कपड़े सिस्टमैटिक अपनी अलमीरा में सेट कर लिए। अब जब इनको मंडे को जाना है और इसको व्हाइट शर्ट चाहिए तो इसको पता है व्हाइट शर्ट यहाँ रखी है, ब्लैक पेंट यहाँ रखी है, नीली कमीज वहां है, इसको रोज टाइम नहीं वेस्ट करना, ये रोज टाइम खराब करेगा। ऐसे ही तुम लोग हो, हम भी ऐसे ही थे। ये हमें थर्ड में बताया था मैम ने कि जितनी चीजें सीखो ना उनको ऐसे सेट करना, जब जरूरत पड़े एग्जाम में तो तुरंत आंसर निकल के सामने आए। ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ तो रखा यार पर मेरी याद नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि कहां था ये, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है। ये इस तरह के लोग होते हैं, जब आपने पढ़ लिया तो ऐसा पढ़ो कि निकला आंसर सामने आ गया। अगर महाराष्ट्र की सीट याद है 48 है तो दूसरा थॉट देना ही नहीं, वहां तुम पढ़ो 42, फिर सोचो पता नहीं थी कि नहीं थी 48, 49, दिमाग एकदम से बोले महा 48 सीट 48। जिस दिन तुम ये सीख गए ना कि आंसर कहाँ है, हर एक ऑप्शन नहीं पढ़ना, मेरी नजर ही आंसर ढूंढ रही है, उस दिन सिलेक्शन होगा। अगर तुम चारों पढ़ के विचार करते हो ना तो अभी बहुत ज्यादा तैयारी की जरूरत है, और अभी तो तुम्हारा वही हालत होगी क्योंकि तुम इनिशियल पर हो। तो ये सिस्टम होता है, और ये चीजें कब आती है, जब कोई हमें ट्रिक्स बता दे। अब मैंने तुम्हें पूरे देश की 543 सीटों का तरीका बताया, तो इस तरीके में क्या हुआ, चीजें ऐसे बैठ गई दिमाग में, अगर तुमने सुनी होंगी, कोई गारंटी नहीं है मेरी कि तुमने सुनी कि नहीं सुनी, वो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है।